वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार, आप लोग को 12th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आज आप लोग को सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप लोग को इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप लोग सारे सारे क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और उसको आप या तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और आपको मैं प्रत्येक चैप्टर जो भी मैं आपको वीडियो डालूंगा तो उस वीडियो के अंत में कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ शॉर्ट आंसर डालूंगा, तो आप लोग इसको ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ये सब आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है और पैरामेडिकल का होता है, तो इस सब में आसानी से आप बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए कि मैं अपने वीडियो में मतलब मैं अपने क्लास में आप लोग को हमेशा बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, तो इस क्लास में भी मैं आप लोग को जो बेसिक पॉइंट्स हैं मतलब कि इस सॉल्यूशन चैप्टर के स्टार्ट करने के लिए आपको कहां से स्टार्ट किया जाए जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझेंगे, तो उसको मैं स्टार्ट करता हूं। तो सॉल्यूशन के लिए मैं सबसे पहले आप लोग को मिक्सचर पढ़ाता हूं। देखिए मिक्सर आप किसको कहेंगे, मिक्सर क्या होता है, जरा आप गौर से सोचिए इसको। आप इसे पहले भी आप बोलते हैं, जैसे मार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदना होता है बोलते हैं, जैसे दाल मूट खरीदते हैं हम लोग, उसमें क्या बोलते हैं, हमको मिक्सर चाहिए। मिक्सर मतलब क्या, सोचिए गौर से। तो आप गौर से सोचने के बाद आप ये पाते हैं कि कोई भी जब दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप का हो उसको आप मिला दीजिए तो वही आपको क्या कहलाता है, मिक्सचर। मतलब व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। मतलब हिंदी में क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तब वह मिक्सचर कहलाता है, सिंपल वे में। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका समझने में बहुत ही बेहतर तरीका निभाता है, इसलिए एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखिए। ओके, जैसे देखिए आप वाटर ले लीजिए, वाटर में आप नमक मिला दीजिए, NaCl मतलब नमक, जिसको कि आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साल्ट। फिर देखिए आप वाटर ले लीजिए, इसमें आप शुगर डाल दीजिए, क्या होगा, C12H22O11, और इसमें आप नमक भी मिला दीजिए। और देखिए जो हम लोग के माहौल जो हम लोग के मोहल्ले में चलता है मतलब पेकर लोग जो करता है उसको देखिए, उसका क्या होता है, वाटर ले लेगा और फिर इसमें अल्कोहल मिलाता है, C2H5OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। और ये शराब का सबसे मेन जो कंस्टिट्यूएंट होगा वो होता है, क्लियर है। तो आप इसी को आप एक तरह से आप वाइन भी आप कर सकते हैं इसको। तो चलिए एक मिक्सचर ये होता है, दूसरा मिक्सचर देखिए कि आप इसी में जैसे आप कुछ आप ऑर्गेनिक टाइप का लीजिए, जैसे बेंजीन ले लेते हैं हम लोग, C6H6, इसमें आप टोलुइन को भी मिला दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे देखिए कुछ दूसरे टाइप का हम लोग लेते हैं, जैसे आप वाटर ले लीजिए, इसमें आप कुछ ऑयल डाल दीजिए, और देखिए वाटर ले लीजिए, इसमें आप सैंड मिला दीजिए, ठीक है, सैंड ले लीजिए, जैसे कि सैंड है आपको, और सैंड के साथ आप जैसे कि आप जो आयरन का जो बुरादा होता है उसको क्या बोलते हैं, आयरन का जो बुरादा होता है उसको आप देखिए, आयरन पार्टिकल ले लीजिए सबसे बेहतर। तो आपको यहां पर देखिए कि मिक्सचर आपको दो टाइप का मिल रहा है, क्लियर है। तो यहां इसको ध्यान समझिए, मिक्सचर आपको यहां पे दो टाइप का मिल रहा है, एक इस मिक्सचर में आप क्या देख रहे हैं कि ये मिक्सचर आपको पूरी तरह से मिल जाता है, लेकिन इस मिक्सचर में क्या होता है कि आपको पूरी तरह से नहीं मिलता है। ओके, आप जब मिलाएंगे तो आप ध्यान से इसको देखिएगा कि इसको जब मिलाते हैं आप तो ये मिलने के बाद आपको अलग नहीं होता है, लेकिन ये आपको क्या होगा, आप मिला दीजिए कुछ देर बाद दिखेगा कि आपको बालू नीचे बैठ जाता है। कभी ऐसा आप देखिए कि पानी में आप चीनी मिलाते हैं शरबत बनाते हैं तो चीनी नमक आपको अलग हो जाता है, नीचे बैठ जाए ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो पानी है वो पानी नीचे रहेगा, तेल ऊपर रहेगा, इसमें क्या होगा जो बालू है वो नीचे रहेगा पानी ऊपर रहेगा। तो यहां देखिए ये तो अलग हो रहा है ना, तो इस तरह से देखिए कि मिक्सर कितना प्रकार का होगा, मिक्सर आपको दो टाइप का हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा इसको देखते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है आपको मतलब जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं आपको पहले,
लेकिन मिक्सर क्या होगा? When two or more substances are mixed है, फिर देखिए हिंदी में क्या होगा। जरा परिभाषा को गौर से देखिए क्या होगा, जब दो या दो से अधिक, क्लियर है, दो या दो से अधिक पदार्थों को आर मिक्स टुगेदर देन इट इज, तभी क्या होगा, तब इसी को हम लोग मिक्सचर कहेंगे। फिर सुनिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तब वह मिश्रण कहलाता है, क्लियर है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। फिर इसके बाद देखिए, तो मिक्सर को अब यहां से देखिए कि यहां को आपको एक टाइप का मिक्सर मिल रहा है और ये फिर दूसरा टाइप का मिक्सर, क्लियर है। तो चूंकि यहां देख लीजिए कि आपको एग्जांपल दो टाइप का मिल रहा है, इसलिए मिक्सर को कितना टाइप बांटा गया, दो टाइप का। एक क्या होगा, समांगी मतलब होमोजेनियस, दूसरा क्या होगा, विसमांगी मतलब हेटरोजेनियस। देखिए ये क्या कहलाएगा, होमोजेनियस मतलब समांगी, और फिर ये क्या कहलाएगा, हेटरोजीनियस मतलब क्या होगा, विसमांगी। तो अब यहीं देखिए कि मिक्सर आपको दो टाइप का हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर फ्रेंड्स। और एक में क्या होगा, होमोजीनियस, और दूसरा में क्या होगा, हेटरोजीनियस मिक्सर। और फिर दूसरा क्या होगा, हेटरोजीनियस मिक्सचर। हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो हिंदी में क्या होगा, समांगी मिश्रण। ओके, इसका क्या होगा, विसमांगी मिश्रण। ओके, तो आप लोग इसका जो है सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको ध्यान से देख लीजिए, और ये याद रखिएगा कोई परेशानी हो तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। अभी तक दोस्तों आपने मिक्सर के बारे में पढ़ा, अब आपको मिक्सर का जो टाइप है जिसमें कि होमोजेनियस और हेटरोजेनियस आता है, मैं उसको डील करता हूं। ध्यान से देखिए इसको, इसका हिंदी क्या होगा, समांगी मिश्रण। ये समांगी मिश्रण हम लोग किसको कहेंगे, जिस तभी आप लोग एग्जांपल देखे थे, एग्जांपल में क्या था, जैसे वाटर है और उसमें हम लोग वाटर में जब NaCl मिलाएंगे तो आपको क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। वाटर में अगर आप ग्लूकोज मिलाइए तो वो भी कहलाएगा, जैसे ऑयल ले लीजिए तो ऑयल में आप जैसे पेट्रोल प्लस किरोसिन हो जाएगा। बेंजीन में अगर आप टोल्यून मिलाइए तो वो भी आपको होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मिलाने के बाद जो है सो वो आपको कभी भी आपको अलग नहीं होता, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सिंपल तरीके से अलग नहीं होता, जैसे कि अगर आप रख दीजिए फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होगा, रखने के बाद आपको अपने आप सेपरेट नहीं होता, तो यही आपको क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। तो क्या होगा, जिसके प्रत्येक भाग में पार्टिकल की संख्या एक समान हो वही क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण।
तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में कणों की संख्या एक समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और दूसरा क्या होगा, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में कणों की संख्या अलग अलग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसमांगी मिश्रण। इसका इंग्लिश में क्या हो सकता है सोचिए, रस पहले से इसका हिंदी हम आपको लिखते हैं। क्या होगा, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में कणों की संख्या एक समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, द मिक्सचर इन विच, क्लियर है, द मिक्सचर इन विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल पार्ट्स आर सेम इज कॉल्ड, इट्स, या फिर इससे भी आप ले सकते हैं, ग्रामर देखिए हमको नहीं आता, ग्रामर आप लोग वैसे देख लीजिए, इज कॉल्ड क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर, द मिक्सचर इन विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल पार्ट्स इज इक्वल called homogeneous mixture, okay? तो इसका एग्जाम्पल आप लोग को पहले से पता भी है तो आप लोग उसको लिख लीजिए। इसका देखिए कुछ पॉइंट्स है कि आप होमोजेनियस मिक्सर किसको कहेंगे, इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, इसको आप कैसे अलग कर सकते हैं या नहीं अलग कर सकते हैं। तो हरेक आपको जो भी मिक्सर है दोनों मिक्सर का आपको पांच पॉइंट्स याद रखिए, वो पांचों पॉइंट्स आपको हेल्प करेगा, ओके। देखिए पहला पॉइंट देखिए क्या है, मेन नंबर एक में देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसके जो पार्टिकल है वो आपको क्या होगा, एक समान रूप से आपको फैला हुआ रहता है तो आप उसको क्या कहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसका सोचिए, तब तक पहला हम आपको लिख देते हैं, प्रत्येक पार्ट्स में कणों की संख्या क्या होगा, एक समान होगा। देखिए दूसरा पार्ट में देखिए क्या होगा, इसका जो कण का आकार होगा वो आपको एक नैनोमीटर से छोटा होगा, ओके। और आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा ही, तीसरा देखिए, फिर तीसरा है कि इसको जो सामान्य विधि है जैसे फिल्ट्रेशन उसके द्वारा हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते,
क्लियर है। फिर आगे देखिए चौथा में, अब क्या होता है कि जो मिक्सर होता है अगर आप उसको अगर सिंपल वे में देखिए, अगर लाइट पास करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको कभी कभी क्या होता है कि लाइट का पाथ दिखता है, जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो होमोजेनियस जो जो सॉल्यूशन होगा उससे टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। ओके देखिए यह क्या होगा, यह टिंडल का प्रभाव नहीं प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आप लोग देखिए कि इसका जो एग्जांपल है वो आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, एग्जांपल आप लोग वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आगे देखिए, अब आपको हेट्रोजीनियस मिक्सर के बारे में बताएंगे। तो देखिए अब दोस्तों, विषमांगी मिश्रण क्या होगा, तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में कणों की संख्या अलग अलग होती है या असमान होती है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। दोस्तों हम लोग पार्टिकल लेके चलेंगे, क्योंकि पार्टिकल लेते हैं वो सब पे लागू हो जाता है, चाहे वो आपको ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो, सब पे वो लागू होता है। इसलिए हम लोग पार्टिकल ही लेकर के चलेंगे, वो आयन भी आ सकता है उसके अंतर्गत। तो चलिए, तो विषमांगी का क्या होगा, द मिक्सर इन विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल पार्ट्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड विषमांगी मिश्रण या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, तो आप लोग को कोई परेशानी हो तो आराम से प्रॉब्लम बोलिए। हिंदी में क्या होगा दोस्तों इसका, देखिए इसको, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में कणों की संख्या अलग अलग हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग को पहले बतलाया जा चुका है, एग्जाम्पल आप लोग वहां से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में अब देखिए कि अब इसका जो जो है तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है। क्लियर है, देखिए इसका दो पार्ट्स कौन कौन, एक होता है कोलाइड और दूसरा होता है सस्पेंशन। क्लियर है, हिंदी में इसको कोलाइड को कोलाइड ही बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडल विलयन भी आप इसको कह सकते हैं, और सस्पेंशन होता है उसको हम लोग निलंबन कहते हैं हिंदी में। देखिए इसका क्या होगा,
थोड़ा सा अगर गौर करें आप लोग, तो आप लोग को सॉल्यूशन के बारे में भी एक बार फिर से रिमाइंड करवाता हूँ। सॉल्यूशन का ये ठीक है, उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले इसको इसका जो पार्टिकल का साइज होगा वो आपको क्या होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। क्लियर है? पार्टिकल का साइज और दोस्तों आप लोग को ये इस हेट्रोजीनियस के बारे में आप लोग को नहीं पढ़ना, पढ़ना है आप लोग को होमोजीनियस के बारे में। लेकिन ये इसलिए बतला रहे ताकि इससे क्या होगा, तो आपको याद रखने में आसानी होगी और आपको एक कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, वैसे आपको ये 8-9 का है ठीक है, लेकिन फिर ये बतला रहे जिससे कि आपका बेसिक ठीक हो। चलिए और दूसरा देखिए, इसका पार्टिकल का साइज क्या होगा, इसका आपको कितना होगा याद रखिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर मतलब ये कितना हो गया आपको, 1 नैनोमीटर से बड़ा हो गया। उसी तरह से इसका क्या होगा, फिर आपको 1000 से बड़ा होगा, देखिए मोर देन 1000 नैनोमीटर। फिर दूसरा देखिए, इसके बाद आपको ये पार्टिकल का साइज हुआ। दूसरा क्या है कि ये जो आपको मिक्सचर होता है इसको अगर आप अगर ऐसे अगर आप रख देते हैं तो ये अपने आप ये अलग हो जाता है। क्लियर है? मतलब ये इजीली सेपरेट होता है, ये मतलब फिल्ट्रेशन के द्वारा आप इसको अलग कर सकते हैं, ये आपको अलग नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसको, कांट भी क्या होगा, सेपरेटेड बाय क्या होगा, फिल्ट्रेशन, हिंदी में क्या होगा, फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको क्या होगा, सेपरेट नहीं किया जा सकता। फिर इसका क्या होगा, इट कैन बी सेपरेटेड बाय क्या होगा, फिल्ट्रेशन। फिर देखिए, फिर इसका एक और पॉइंट देखिए, एक क्या होगा कि इसको जो है सो हम लोग टिंडल इफेक्ट, इसलिए जो आपको होगा ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। देखिए सो टिंडल इफेक्ट, और ये क्या होगा, ये शो करेगा भी और नहीं भी कर सकता, मे सो टिंडल इफेक्ट। दोस्तों तो कोई परेशानी हो तो आप लोग आराम से बोलिए, इसमें कितना पॉइंट्स हो गया आपको। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर आगे बतलाते हैं। अब यहां से देखिए आप लोग का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन क्या है, तो हम आप लोग को जो ये जो बेसिक पॉइंट्स पढ़ाए हैं, ये सब सारा बतलाने का एक ही मकसद था कि आपको एक पॉइंट बतलाना, वो था आपको होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस जो आपको मिक्सचर लिखा गया था या फिर अभी अभी आपको जब सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताया जाएगा तो इसमें बताया जाएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो इसलिए आपको होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको डिटेल की, सबसे पहले मिक्सचर के बारे में आप लोग को डिटेल में बताया। तो चलिए सॉल्यूशन क्या है थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका हिंदी होता है विलयन, तो अब यहीं से आप बात, देखिए प्रॉब्लम क्या है यहां पर, देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि लोग विलय और विलायक लेके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन विलय और विलायक लेके हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, उससे क्या होता है कि आगे परेशानी होगा आपको समझने में, तो इसलिए हम लोग विलय नहीं लेंगे, हम लोग पार्टिकल लेंगे, पार्टिकल में सब आ जाता है। ओके तो चलिए, तो अब इसमें है कि विलयन हम लोग किसको कहेंगे, विलयन क्या होगा, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ओके देखिए क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, द मिक्सचर ऑफ, या फिर आप ऐसे बोलिए, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। देखिए द होमोजीनियस मिक्सचर
ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। हिंदी में क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल आप ले, पहले ही आप लोग को बता चुके, एक बार थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देख लीजिए। जैसे क्या क्या होगा, जैसे H2O ले लीजिए और इसमें आप नमक मिला दीजिए NaCl, तो ये भी आपको क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा ये तो दो होगा, दो से अधिक का ले लीजिए, जैसे क्या होगा H2O है आपको, फिर आप इसमें नमक डाल दीजिए, फिर इसमें आप ग्लूकोज भी डाल दीजिए, इसमें आप शुगर भी मिला दीजिए, तो ये सब क्या होगा, ये भी आपको एक मिक्सचर ही। और देखिए जो सबसे चर्चित है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग के गांव में तो बेकर की कमी नहीं है, तो देखिए क्या होगा तीसरा में, H2O और प्लस अल्कोहल। ओके, तो ये है आपको सॉल्यूशन। अब इसका देखिए सॉल्यूशन का कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि आपको हेल्प करेगा आपको, तो उसको देखिए आप थोड़ा सा। सबसे पहला पॉइंट्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। आप इसको लिख सकते हैं कि यह क्या होगा, यह एक होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज ए, इट इज एन क्या, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए यह एक समांगी मिश्रण है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट में क्या होगा, इसके पार्टिकल का साइज क्या होगा, एक नैनोमीटर से छोटा होगा, क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सर है, क्लियर है, होमोजेनियस मिक्सर है, इसलिए क्या होगा, एक नैनोमीटर से छोटा होगा, इसके पार्टिकल का साइज एक नैनोमीटर से छोटा होता है। फिर अगला पॉइंट में देखिए क्या होगा, इसको हम लोग सामान्य विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे नस मिल जाए, ठीक है। इसे सामान्य विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इंग्लिश में क्या होगा, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय जनरल वे या फिर सिंपल वे, एज आप दे सकते हैं फिल्ट्रेशन। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, ये आपको टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। ओके, यह टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। तो आप लोग
लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आप लोगों को जितना पढ़ा है उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव्स बतलाने जा रहा हूँ। तो पहला ऑब्जेक्टिव्स है नंबर एक, सॉल्यूशन किस प्रकार का मिश्रण है। अब देखिए सॉल्यूशन के बारे में हम आप लोग को बतलाए थे कि सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन के प्रत्येक भाग में कणों की संख्या एक समान रूप से फैला हुआ रहता है या घुला हुआ रहता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, बी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए नंबर दो, टिंडल निम्नलिखित में से टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है। ध्यान देखिए सॉल्यूशन में तो होगा नहीं, सस्पेंशन करता भी है वो नहीं भी कर सकता है, कोलाइड करता है, तो बी और सी दोनों हो सकता है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं जिसमें तीसरा कौन सा होगा, सॉल्यूशन के कण का आकार कितना होता है। तो आप लोग को बताए थे कि सॉल्यूशन कण का आकार कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, तो 10^-9 nm से कम होगा, सॉरी यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कौन सा होगा, कोलाइड के कण का आकार कितना होता है। तो कोलाइड के कण का आकार क्या होगा, सॉल्यूशन के कण से बड़ा होता है, तो कण से बड़ा कितना होगा, 10^-9 nm से, उससे कम तो मतलब उससे कितना, 10^-8, -7, -6 ऐसे जाएगा, तो कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अब मैं दोस्तों आप लोग को एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग बना करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा,